तो उन तीनों मेथड्स में से सबसे पहले जो अपन मेथड अप्लाई करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। किसी सब्सटेंस में अपन टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो कैसे चेंज होती है। तो इसको पढ़ते हैं। इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस, ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस अनुभव है, दैट ऑन हीटिंग आइस, जब हम आइस को हीट करते हैं, गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड वाटर, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में, एंड द लिक्विड वाटर, जो लिक्विड वाटर है ऑन फर्दर हीटिंग, उसको और अधिक हीट करते हैं तो गेट्स कन्वर्टेड इंटू स्टीम, वो भाप में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कहा जाए, वाटर वेपर व्हेन कूल्ड गिव्स वाटर लिक्विड, जब वाटर वेपर को अपन कूल कर लेते हैं, वापस से जो वाटर वेपर पहले बनी थी हीट करके अपन ने उसको कूल कर लेते हैं तो वो वापस किस में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। Which on further cooling gives, जब हम इसको और भी अधिक कूल करते हैं तो वो आइस फॉर्म में चेंज हो जाती है जो कि सॉलिड फॉर्म होती है। The transformation of various physical state of water may be described as follow, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो ये रूपांतरण हुआ है, परिवर्तन हुआ है of various physical state, विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में of water, पानी की में, मे बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, जिसको अपन नीचे फॉलो इस तरह से दिखा सकते हैं ब्रीफ में, शॉर्ट में। जैसे आइस, आइस को आपने हीट किया तो वो वाटर में चेंज हो गई, अब सॉलिड टू लिक्विड हो गया। वाटर को आपने और हीट किया तो वो स्टीम अर्थात वाटर वेपर में चेंज हो गई। अब यहां तक तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, अब रिवर्सिबल करते हैं इसको वापस, अब टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। स्टीम को अगर अपन कूल करेंगे, मतलब टेम्परेचर को यहां डाउन कर रहे हैं, तो स्टीम चेंज इनटू वाटर, वाटर में चेंज हो जाती है, और वाटर को अगर अपन फ्रीज या कोल्ड करते हैं और भी ज्यादा तो वो किसमें चेंज हो जाती है, आइस में। तो टेम्परेचर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम दोनों ही कंडीशन में जो है कि जो मैटर की स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए लेट्स अस फॉर्म एन एक्टिविटी एंड ऑब्जर्व द चेंज इन एक्टिविटी एनी फॉर्म ऑफ द मैटर सॉलिड ऑन हीटिंग। अब हम एक एग्जांपल या एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझेंगे कि कोई भी मैटर होता है वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से गैस में कैसे चेंज हो रहा है बाय हीटिंग। तो सबसे पहले एक्टिविटी में टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंडेड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स वल्व इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर, एक बीकर लेना है और बीकर में 150 ग्राम आपको आइस डाल देनी है। सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर, यहां अपन को एक लेबोरेटरी जो प्रयोगशाला में काम लिया जाता है थर्मामीटर, वो थर्मामीटर यूज करना है सो दैट इट्स बल्ब इज कनेक्टेड विद आइस। इसका जो बल्ब होता है आगे का, सॉरी ये इसका जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का, वो आइस से जो है कि कनेक्ट होना चाहिए, कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। अब आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। अब हम स्टार्ट करते हैं बीकर को हीट करना एक धीमी आंच पर, धीमी आंच पर। नोट द टेम्परेचर
व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, अब उस टेम्परेचर को हम नोट करते हैं जिस पर हमारी आइस है वो मेल्ट होने लगती है, अर्थात पिघलने लगती है।